होने वाली आरएएस परीक्षा को स्थगित करने की मांग लगातार जोर पकड़ रही है। एक तरफ युवा इस परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं तो दूसरी तरफ आरपीएससी इस परीक्षा को तय समय पर भी आयोजित करने की मांग कर रहे हैं। परीक्षा स्थगित करने के पीछे जो युवाओं का तर्क है वो ये कि मुख्य रूप से सिलेबस को लेकर ही है। आरएएस प्री परीक्षा होने के बाद मेंस के सिलेबस में बदलाव कर दिया गया जिसकी वजह से अभ्यर्थियों का कहना है कि परीक्षा की तैयारी के लिए कम से कम 6 महीने का समय चाहिए। इसके अलावा ये भी तर्क दिया जा रहा है कि कोरोना संक्रमण के बीच परीक्षा का आयोजन ना किया जाए। एक और बड़ी बात यह कि वो सरकार ने परीक्षा के निष्पक्ष आयोजन के लिए सुझाव देने के लिए कमेटी का गठन किया लेकिन उस कमेटी के सुझाव मिलने के बाद ही परीक्षा का आयोजन करने की मांग हो रही है। अभ्यर्थी अपनी जगह पिछले काफी समय से मांग उठा रहे हैं तो आरपीएससी अपने तय कार्यक्रम के हिसाब से ही परीक्षा कराने पर अड़े हुए हैं जिसकी वजह से पिछले काफी समय से युवा अलग अलग तरीके से प्रदर्शन भी कर रहे हैं। कभी अजमेर में आरपीएससी के सामने तो कभी जयपुर में सरकार तक आवाज पहुंचाने के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है। और ये पूरा मामला क्या है, 26 फरवरी को आरएएस मुख्य परीक्षा का आयोजन होने जा रहा है और आरपीएससी की ओर से क्लियर कर दिया है कि परीक्षा समय पे होगी लेकिन राजस्थान विश्वविद्यालय की ये तस्वीर कुछ और ही बताती है। परीक्षा को स्थगित करने की मांग को लेकर लंबे समय से आंदोलन चल रहा है और अब राजस्थान विश्वविद्यालय में पिछले 3 दिनों से लगातार धरना दिया जा रहा है। ये बड़ी संख्या में मौजूद स्टूडेंट कहीं ना कहीं इस बात का संकेत दे रहे हैं कि परीक्षा स्थगित होनी चाहिए क्योंकि सिलेबस चेंज किया गया है। इसके साथ ही अन्य कारण है, बड़ी संख्या में ये भविष्य के वो अधिकारी हैं जो राजस्थान की बागडोर को अपने हाथ में लेंगे और अपनी जो मांगे हैं उनको मान रहे। अभिषेक मेरे साथ मौजूद है, अभिषेक किन मांगों को लेकर आप यहां धरना दे रहे हैं? देखिए आरपीएससी ने जो है प्री परीक्षा का परिणाम जो है 19 नवंबर को जारी किया, उसके 10 दिन बाद में जो है मुख्य परीक्षा का सिलेबस जारी किया और मुख्य परीक्षा का सिलेबस जो जारी किया उसमें पुराने पाठ्यक्रम से यदि तुलना की जाए तो उसमें 70% से अधिक जो है बदलाव किया गया है। अब उस पाठ्यक्रम को पढ़ने के लिए जो समय मिला है वो सिर्फ 93 दिन का मिला है और उन 93 दिनों में मुख्य परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के पास में जो है संभव नहीं है कि इतने दिनों में जो है वो अपनी तैयारी कर सके। इसलिए हमारी ये मांग है कि जो और तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर सहयोगी ललित की आपने रिपोर्ट भी देखी, उन्होंने बातचीत करी अभ्यर्थियों से, तमाम अभ्यर्थियों से जो कि लगातार मांग कर रहे हैं और ललित ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। ललित अभी हमने सुना आपने अभ्यर्थियों से बातचीत की जो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि हमारी ये तमाम मांगे हैं और इन तमाम मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, जानकारी आपसे लेना चाहूंगी ललित मैं। जी बिल्कुल मनी, अगर बात करें आरएएस मुख्य परीक्षा 25 और 26 फरवरी को इस परीक्षा का आयोजन होना है, इस परीक्षा की स्थगित करने की मांग को लेकर राजस्थान में लगातार आंदोलन तेज होते जा रहे हैं। पहले हमने देखा था कि आरपीएससी के बाहर दंडवत रैली करके आरपीएससी को ज्ञापन सौंपा गया था सरकार तक अपनी मांग पहुंचाने के लिए, जयपुर में विभिन्न तरीकों से आंदोलन देखने को मिले थे। अब पिछले 3 दिनों से राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य गेट पर बड़ी संख्या में आरएएस जो प्री परीक्षा पास करे हुए अभ्यर्थी हैं वे जुटे हुए हैं। अभ्यर्थियों की मांग है कि जो सिलेबस में बदलाव किया गया है, तकरीबन 70% सिलेबस में बदलाव कर दिया गया है। नवंबर में परीक्षा का परिणाम आया था और परिणाम के बाद मुख्य परीक्षा के सिलेबस में बदलाव किया गया है। ऐसे में मुख्य परीक्षा में के सिलेबस में यदि बदलाव किया जाता है 70% तक किया जाता है तो अभ्यर्थियों को तैयारी के लिए और ज्यादा मौका देना चाहिए। अभ्यर्थियों की मांग है कि इस परीक्षा को 2 महीने के लिए स्थगित करके 2 महीने के आगे की तिथि देनी चाहिए। इसके साथ ही कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है तो ऐसे में अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए भी जो फैसला है वह लेना चाहिए। और तीसरी जो प्रमुख मांग है वो ये है कि अगर बात करें प्रदेश में परीक्षा को लेकर तो अभी जो रीट में महासंग्राम हुआ था और उसके बाद सरकार की ओर से कमेटी का गठन किया गया है जो परीक्षा को निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए अपने सुझाव देगी, तो अभ्यर्थियों की ये मांग है कि पहले उस कमेटी के सुझाव मिलने चाहिए उसके बाद ही परीक्षा का आयोजन करवाना चाहिए क्योंकि परीक्षा में कोई गड़बड़ी न हो इस बात की गारंटी कोई भी नहीं ले रहा है। तो हमारे साथ राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष उपेन यादव जुड़ चुके हैं। उपेन आपने सुना हमारे सहयोगी को ललित को जो साफ तौर पर बता रहे कि किन किन मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है, आपसे जानना चाहूंगी आपका क्या कहना है इस पूरे मसले पे? देखो जो विद्यार्थी जो लगातार मांग कर रहे थे इस संबंध में, पहले जब मेरी 5 दिसंबर को मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई थी तो मुख्यमंत्री जी के सामने मैंने ये बात रखी थी कि जो विभागीय लापरवाही होती है, समय पूरा विद्यार्थी को दिया नहीं जाता, अचानक परीक्षा तिथि घोषणा की जाती है, सिलेबस के अनुसार समय नहीं दिया जाता, विवाद होता है, ऐसे में समय प्रॉपर दिया जाए। अभी भी यूनिवर्सिटी में जो विद्यार्थी जो मांग कर रहे कि सिलेबस में अचानक बदलाव कर दिया गया और वो कह रहे कि हमें अतिरिक्त समय दिया जाए, तो ऐसे में इन विद्यार्थियों को सुनते हुए अतिरिक्त समय देने इनको देना चाहिए। आज सुबह मैं शिक्षा मंत्री से मुलाकात
बात करने गया था तो वो सदन में जा रहे थे, उन्होंने मुझे शाम को वापस बुलाया, सीएमओ के अधिकारियों से भी समय मांगा है, इनकी बात मैं भी मजबूती से उठाऊंगा। लेकिन ये यही नहीं, जहां वो फर्स्ट ग्रेड की हो, चाहे सेकंड ग्रेड की हो, चाहे रीट की हो, चाहे अन्य तमाम जोर भर्ती है जो प्रदेश के लाखों बेरोजगार तैयारी करे, वो भी असमंजस की स्थिति में कि हमारी एग्जाम कब होगी, क्योंकि फिर ये अचानक सिलेबस जारी, वो कैलेंडर जारी करते, अचानक तारीख जारी करते, जिससे बेरोजगार अपने आप को ठगा सा महसूस करते। तो भरपूर समय विद्यार्थियों को मिलना चाहिए। आज ये विद्यार्थी कितने दिन से संघर्ष कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से यही अपील करूंगा कि युवाओं से सुने और उनके मामले को संज्ञान में लेते हैं, उनकी मांग मान लीजिए, क्योंकि एक कमेटी का गठन किया तो कमेटी की रिपोर्ट के नीचे लागू होना चाहिए, फिर फर्जीवाड़ा पेपर लीक किसी और समस्याएं आएंगी तो इनके साथ बुरा होगा, इसलिए कमेटी की रिपोर्ट भी लागू करनी चाहिए और इनको राहत भी देनी चाहिए, क्योंकि इनकी वाजिब मांग है, लगातार इनका प्रदर्शन जारी है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म बिल्कुल जी। हाँ उपेन, मैं ये कह रही थी, देखिए एक तरफ आरएएस परीक्षा स्थगित करने की मांग की जा रही है, दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि आरपीएससी अपने तय कार्यक्रम के हिसाब से ही परीक्षा कराने पर अड़ा हुआ है, इस पर क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि एक तरफ ये कहा जा रहा है कि स्थगित हो, दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि तय कार्यक्रम के अनुसार ही हो। आरपीएससी पहले अपने उसको देखे, जो अभी आरएएस इंटरव्यू घोषणा प्रकरण आया था जिसमें सदस्य का नाम आया था, एलटीसी का नाम आया था, उस मामले को दबा दिया, उसकी कोई जांच नहीं। इसके अलावा पशु चिकित्सक भर्ती 2019 की वो भी अभी अटकी पड़ी है, डबल ए अटकी पड़ी है, उन भर्तियों की तरफ सरकार आरपीएससी का ध्यान नहीं। आज ये बेरोजगार कह रहे कि आपने सिलेबस में बदलाव किया तो हमें समय मिलना चाहिए, सिस्टम में सुधार होना चाहिए, लेकिन सिस्टम में सुधार करने के बजाय जल्दबाजी क्यों? आपने देखा होगा एसआई भर्ती में जो जल्दबाजी में एग्जाम करवाई गई, पेपर लीक के सामने आया कि बीकानेर से पाली आया, तो जल्दबाजी की जा रही है। ये जल्दबाजी कहीं ना कहीं संकेत देता है कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार या फर्जीवाड़ा होने के संकेत है। ऐसे में विद्यार्थियों की मांग को मद्देनजर रखते हुए छात्रित में फैसला लेते हुए एग्जाम पारदर्शिता के साथ करवानी चाहिए और कमेटी के जो सुझावों का इंतजार करनी चाहिए, कमेटी क्या सिस्टम नया स्थापित करी है। प्रदेश का बेरोजगार परेशान है, अभी कानून भी आने वाला है, क्योंकि कानून आ जाएगा, एग्जाम कानून के बाद होगी तो कानून का भी डर उन अपराधियों में होगा, क्योंकि गृहमंत्री कानून आने वाला, पिछले एक साल से संघर्ष कर रहे थे, 17 अक्टूबर को सरकार ने घोषणा की थी, 18 अक्टूबर को मेरा अनशन तोड़ाया था, मुख्य सचिव आईसीयू में जाकर बोला था, तो वो कानून भी आ जाएगा, तो जैसे जैसे थोड़ा सा समय मिलेगा तो कानून का भी लाभ मिलेगा इन अभ्यर्थियों को, एक मन में विश्वास जगेगा कि हाँ कानून आ गया, पेपर लीक नहीं होगा, कोई भजनलाल बत्तीलाल डीपी जारोली जैसे कई लोग नहीं आएंगे और बेरोजगार सुरक्षित महसूस होंगे। तो कानून और कमेटी ये तमाम चीजों पर निकलने के बाद ये भर्ती परीक्षा करवाई जाए, बेरोजगार को राह दी जाए। कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं उपेन कि एक तो ये जो कमेटी बनाई गई उसका सुझाव जो आ जाए सामने, क्या कुछ कहा गया कमेटी की तरफ से, दूसरा आपका ये कहना है कि जो कानून लाने के लगातार कांग्रेस पार्टी बात कर रही है सदन में, वो कानून आ जाए ताकि ट्रांसपेरेंसी बरकरार रहे। उपेन आप ये बताइए, बेरोजगारों से आपने बातचीत की है, तमाम हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर, क्या कह रहे हैं अभ्यर्थी कि कितना समय इनफ होगा?